नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 3 दिसंबर को बीजेपी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली और उसी का जश्न बीजेपी नेता कार्यकर्ता मना रहे हैं। बात चाहे मध्य प्रदेश की कर लीजिए, राजस्थान की कर लीजिए या फिर छत्तीसगढ़ तो बल्कि वो राज्य रहा जिससे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहां पर बीजेपी जीत पाएगी और कांग्रेस को हरा पाएगी, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। अब विरोधी पत्रकारों का जो एक पूरा ग्रुप है वो एक्टिव हो गया है। आप अजीत अंजुम को देख लीजिए, आप रवीश कुमार को देख लीजिए, इनके ट्विटर पर जाइए, इनके यूट्यूब पर जाइए, आपको एक अलग ही विचारधारा की स्टोरीज अब देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर बात पर्टिकुलरली मैं अजीत अंजुम की करूं तो देखिए उनका एक अलग ही एंगल चल रहा है। अब उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है मोदी सरकार में मंत्रियों को, जैसे उनके निशाने पर आए हैं अब सिंधिया। वैसे तो जो पोस्ट उन्होंने किया उसकी सच्चाई जब सामने आई लोगों के, तो सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम को ही ट्रोल कर दिया गया, उन्हीं को नसीहत दी जाने लगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अजीत अंजुम कैसे प्रोपोगेंडा चलाकर मोदी सरकार और उनके मंत्रियों को ट्रोल कर रही है और फिर खुद ही फंसते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि अजीत अंजुम वो पत्रकार हैं जो एक विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं और इसीलिए अक्सर उन पर सवाल भी उठते हैं। यूं तो वो खुद को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे तो आपको एक ही तरह की स्टोरीज नजर आएंगी। मसलन मुद्दा कोई भी हो, बातचीत कोई भी चल रही हो, वो कहीं ना कहीं से मोदी का एंगल जोड़ेंगे, मोदी की एक पिक्चर चिपकाएंगे, अपने थंब को चमकाएंगे और कहीं ना कहीं मोदी को कनेक्ट करने के बाद अपनी स्टोरी को अमली जामा पहनाते हैं। अब जब मोदी के चेहरे पर 3 राज्यों में बीजेपी ने फतह हासिल की तो फिर वो यूटर्न लेते हुए नजर आए, फिर कांग्रेस की शर्मनाक हार बताते हुए नजर आए, लेकिन खुद से नहीं योगेंद्र यादव के बलबूते। वो स्टोरी भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से 360 डिग्री का यूटर्न लेते हुए अजीत अंजुम नजर आए हैं और योगेंद्र यादव के नाम पर कांग्रेस को ही लताड़ते हुए नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अजीत अंजुम अब बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ दुकान भी तो चलानी है ना, इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार में जो मंत्री हैं उनको टारगेट कर रही हैं। अब खबर पर आते हैं। खबर यह है कि अजीत अंजुम को एक शादी में जाना था, इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टिकट बुक किया, अर्जेंट में उनको टिकट बुक करना था, लेकिन वो टिकट उनको इतना महंगा मिला तो सीधे तौर पर उन्होंने सिंधिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अब सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें सलाह दे रही हैं कि अर्जेंट में अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको महंगा ही तो मिलेगा, अगर आपको शादी में जाना था तो आप टिकट पहले से बुक करते। सबसे पहले अजीत अंजुम का पोस्ट देखिए, एयरलाइंस वालों को लूट की छूट क्यों मिली हुई है सिंधिया जी, कोई सोच सकता है दिल्ली से पटना का टिकट एयर विस्तारा ने 29,000 में कल बेचा है। कल दोपहर जब मैंने बुक करना चाहा तो एक तरफ का टिकट 19,000 का दिखा, जब तक कार्ड नंबर और डिटेल भरा तब तक सीधे 10,000 बढ़ाकर 29,000 कर दिया गया। जरा सोचिए, दिल्ली से पटना के लिए एक तरफ का टिकट 29,000 का, पटना से दिल्ली वापसी का टिकट भी 15,000 में मिला। पारिवारिक शादी में जाना जरूरी था इसलिए इतना महंगा टिकट खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्या टिकट की कीमत की कोई अपर लिमिट नहीं होनी चाहिए। अजीत अंजुम का ये पोस्ट सामने आया तो फिर इस पर यूजर्स ने कैसे उन्हें जवाब दिया आप जरा ये देखिए। एक यूजर ने लिखा, ये देखिए पटना से दिल्ली का टिकट मात्र 10 दिन बाद का 4,500 रुपए का है, इस देश का आम आदमी कम से कम 15 दिन पहले तो टिकट करता ही है, अब सेम डे फ्लाइट करेंगे तो महंगी तो पड़ेगी, लेकिन प्रोपेगेंडा चलाना हो तो सेम डे महंगी टिकट लेकर ट्विटर पर पोस्ट करना भी तो है, लाखों करोड़ों कमाते हैं तो खर्च भी करिए। एक और यूजर ने लिखा, अब जब लोगों की तनख्वाह बढ़ी है तो हवाई जहाज के टिकट बढ़ना लाजमी है, 2014 में जो पढ़ाई कर रहा था बेरोजगार था, आज वो 10,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, 29,000 रुपए के सफर में भी हवाई जहाज चकाचक भरा होगा, इसका मतलब यही है कि हम तरक्की कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा दिया गया पैसा देश के संसाधनों में ही काम आता है। आप पत्रकार हैं, आपको ये समझना चाहिए, जिस देश में 1,000 रुपया लीटर पेट्रोल भरवाने की हैसियत लोगों की हो गई वहां ये 29,000 कुछ भी नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी अजीत जी। एक और यूजर ने लिखा, लगता है खुद के पैसे से पहली बार खरीद रहा है टिकट तभी महंगाई का रोना रो रहा है, क्योंकि 3 राज्य में हारने के बाद कांग्रेस तो टिकट कटाकर देगी नहीं, इसे गुलामी ढंग से नहीं की इसने इस बार। तो वही एक और यूजर ने लिखा, फ्लाइट से ही क्यों जाना है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है, ट्रेन से चले जाओ, राजधानी में तत्काल 3rd AC 3,000 में मिल रहा है, स्लीपर बस से चले जाओ 2,000 में, पर तुमको रोना भी है जाना भी है और टिकट भी तुरंत कराना है, शादी का निमंत्रण शादी के 10 दिन पहले तो मिला ही होगा, तब फ्लाइट की टिकट बुक कराते तो 5,000 में ही हो जाती, पर तुमको तो मोदी को कोसना है। अंजुम जी, फ्लाइट प्राइवेट है जिसमें सरकार का दखल नहीं है, रेल की बात करो तो मोदी को बोलो। कपिल बिश्नोई नाम के यूजर ने लिखा, कौन सी मेहनत की कमाई है, झूठे और स्क्रिप्टेड वीडियोस बना बनाकर कमाए हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो देखा आपने किस तरीके से
अजीत अंजुम ने पहले सिंधिया को ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हीं को नसीहत दे डाली। आप बताइए इस खबर को लेकर और अजीत अंजुम जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रही है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं?